नातेदारी व्यवस्था के नियम हम पढ़ रहे थे या रीतियां हम देख रहे थे, उसके अंदर आज हम पढ़ते हैं मातुले और पितृ स्वश्रय। मातुले नातेदारी प्रणाली की रीति में एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। मातुले को अंग्रेजी में एवक्यूलेट कहते हैं। यह शब्द उस प्रथा की ओर निर्देश करता है जो मामा भांजे या फिर भांजी के पारस्परिक संबंधों को एक विशिष्ट ढंग से नियमित करता है। इसका प्रचलन मातृसत्तात्मक परिवारों में होता है, जहाँ की माता के भाई, जिसे हम सामान्य रूप से मामा कहते हैं, या मातुल का पारिवारिक मामले में अत्यधिक महत्व होता है और नियंत्रण भी रहता है। यदि पारिवारिक मामलों में मामा का अधिकार और नियंत्रण प्रमुख है, यदि लोगों में ये मांग की जाती है कि वे अपने पिता से अधिक मामा का आदर करें, यदि मामा का अपने भांजे भांजियों के प्रति उनके पिता से कहीं अधिक उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य है, यदि मामा अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार भांजे को बनाए और यदि भांजा भी पिता की अपेक्षा अपने मामा की सेवा अधिक करे, अर्थात अन्य सभी पुरुष सदस्यों में मामा का स्थान सर्वोपरि हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो मातुले कहलाती है। इस व्यवस्था का प्रचलन भारत की कई जनजातियों में है। उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी अमेरिका की हेडा जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है कि 10 वर्ष की आयु में पुत्र है पिता का घर छोड़ देता है और अपने मामा के यहाँ रहने चला जाता है। वहीं पर रहकर वे मामा के परिवार और समाज से संबंधित बातों को सीखता है, मामा की सेवा करता है और बड़े होने पर मामा की देखभाल भी करता है। मामा भी उसके दायित्वों को सहर्ष रूप से अपने ऊपर ले लेता है और उसका देखभाल करता है। दक्षिण अफ्रीका की थोंगा जनजाति पितृवंशीय है। यहाँ पत्नी को विवाह के पश्चात अपने पति के गांव या घर में जाकर रहना पड़ता है और बच्चों पर भी पिता का अधिकार होता है। फिर भी मामा का घर बच्चों के लिए द्वितीयक शरण का स्थान होता है। कोमांचे जनजाति भी मातुले को स्वीकार करती है। एक है पितृस्वश्रय। नातेदारी व्यवस्था में ये व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। इस प्रथा के अंतर्गत परिवार के पिता की बहन, बुआ या पितृस्वसा का अत्यधिक महत्व होता है। डॉक्टर रिवर्स ने ऐसी जनजातियों का अध्ययन किया है जिनसे यह विदित होता है कि इस प्रकार की प्रथा वहाँ पाई जाती है। बेकस प्रायद्वीप में एक व्यक्ति अपनी बुआ का अपनी माता से भी कहीं अधिक सम्मान करता है और उस व्यक्ति के विवाह साथी का चुनाव भी बुआ द्वारा ही किया जाता है। बुआ की संपत्ति पर भी कई बार अधिकार दिया जाता है। भारत में टोडा जनजाति में तो बच्चे का नामकरण भी बुआ ही करती है। एक अन्य प्रथा है नातेदारी की, या जिसको रीति नियम भी कह देंगे, सहप्रसविता या सहकष्टी, यह अंतिम रूप से है। नातेदारी व्यवस्था में इस प्रणाली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये जनजातियों में अपूर्ण रूप से पाई जाती है। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। इस प्रथा के अनुसार पति के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि जब कभी उसकी पत्नी को प्रसव होने वाला हो तो पति भी उन कष्टों का अनुभव करे जैसा कि पत्नी कर रही है। ऐसी दशा में पति को भी पत्नी के समान दुख प्रकट करते हुए उसी प्रकार का भोजन करना पड़ता है जैसा पत्नी करती है। उसी प्रकार उसे भी कमरे में बंद रहना पड़ता है जैसे कि बच्चा होने के बाद पत्नी रहती है। जिस प्रकार प्रसवा को छूत माना जाता है, उसी प्रकार पति को भी उसी समय कोई छूता नहीं है। कई जनजातियों में तो जिस प्रकार प्रसव के समय औरत चिल्लाती है, रोती है, वैसा ही अनुभव पति को भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये नातेदारी के नियम पूर्ण होते हैं।